ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये वास्तव में बहुत ही दुखद है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य केवल व्याख्या करना है, एनालिसिस करना है जी। सुप्रीम कोर्ट का काम केवल कोई कानून बनाना नहीं है। और उन्होंने रीज़न क्या दिया, केवल एक रीज़न दिया उन्होंने कि इसका दुरुपयोग होता है, हो सकता नहीं है, इसका दुरुपयोग होता है। क्यों, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका अपना कहीं प्रमोशन होना है या और कोई उसको लाभ मिलना है और उसके जो सुपीरियर है, जो उसका बॉस है, उसने उसके खिलाफ कुछ एडवर्स रिमार्क कर दिया या वो, तो उसने ये एक FIR लिखाई और उसमें ये लिखा है कि मेरे शेड्यूल कास्ट होने की वजह से मेरे खिलाफ ये ऐसा एक्शन लिया है एडवर्स है, तो उसने ये कहा कि इसका दुरुपयोग होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि केवल एट्रोसिटीज का ही नहीं, दहेज प्रथा का भी सुप्रीम कोर्ट में के अमेंडमेंट भी हुआ कि इसमें आकर के दुरुपयोग होता है, दहेज प्रथा में कितना दुरुपयोग होता है, झूठे फंसाए जाते हैं। और ये शायद यहाँ पर वो DGP चले गए, वो हरियाणा के थे, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ, मैं एज ए सेशन जज कह सकता हूँ जब रहा 399 में 401 उसके होते हैं असेंबल होना डकैती के लिए, उसमें झूठे फंसाए गए, उसमें झूठे 25 आर्म चेक पर झूठे बता दिए। सर मेरा मानना यह है कि जो जज बैठे हुए हैं और एक तरफ कहा जाता है कि ये कानून के रखवाले हैं, क्या ये अपनी ओपिनियन तो दे सकते हैं या वो उसमें कानून चेंज कर सकते हैं? नहीं, कानून नहीं चेंज कर सकते, अपना विचार दे सकते हैं वो। अपना कानून के खिलाफ जाएंगे तो ये तो गवर्नमेंट को अपना सोचना है, अमेंडमेंट लाना चाहिए जी, क्या ये अगेंस्ट संविधान के है, ये कानून के खिलाफ है, तो और गवर्नमेंट नहीं लाती है। सर जैसे अभी इन जज साहब ने ऐसा जो निर्णय सुना दिया, ऐसा फैसला सुना दिया, क्या ये महाभियोग इन पे लग सकता है? मैं डायरेक्ट क्यों कह रहा हूँ कि इस तरीके से और भी जज आएंगे, उनका एक बड़ा एक हौसला बढ़ जाएगा कि इन जज ने ऐसा फैसला दिया तो हम भी दे दें। देखिए, महाअभियोग चल सकता है अगर पार्लियामेंट में सारे MP इकट्ठे हो जाए, कम से कम महायोग चलाने के लिए 50 MPs का होना जरूरी है जी। अब महायोग आप एक के खिलाफ चलाएंगे या 5 जजों के खिलाफ चलाएंगे या 4 जजों के खिलाफ, सबके खिलाफ तो नहीं चल सकता जी। वो एक के खिलाफ चलाएंगे, किसके खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ चलाएंगे या और जजों के खिलाफ चलाएंगे? तो ये काम तो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट अब सोचा है इस पर एक्शन ले। जो अभी आपने देखे स्टे मिल सकता है कि जो जिस तरीके के उन्होंने स्टे कौन देगा, वो रिव्यू पिटीशन दायर करे पार्लियामेंट में, अपना वही डाल सकता है जिसका मुकदमा चल रहा था, इससे कोई इसमें और भी पार्टी बन सकता है ऐसा, और इस समय नहीं बन सकती पार्टी, उस समय तो बन सकता था। रिव्यू पिटीशन वही डाल सकता है अटॉर्नी जनरल जी, सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के वो रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। अच्छा, एक लॉ ये है कि रिव्यू पिटीशन उन्हीं जजों के सामने जाएगा जिन्होंने जजमेंट पास किया है, अब उन्हीं के वो उसको रिव्यू पिटीशन को सुने या ना सुने ये उनका अधिकार है, या रिव्यू पिटीशन को डिसमे कर दें तो इसका ये उनका अधिकार है। उसके बाद में और कोई चारा नहीं बना कि पार्लियामेंट अपना एक्ट लाए, संशोधन लाए, करके इसको कहे, क्योंकि इससे नुकसान क्या है, इस एक्ट से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अब कोई शेड्यूल कास्ट के साथ एट्रोसिटीज करता है। इसमें क्या होल्ड किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि अपने जाकर के जो सबॉर्डिनेट है उसका जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, अगर उसको अरेस्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, उससे परमिशन लेगा, शेड्यूल कास्ट को कौन परमिशन देता है, कोई भी परमिशन नहीं देता, थाने में बैठे ही उनके लोग हैं। और अगर साधारण पब्लिक के खिलाफ होता है शेड्यूल कास्ट में जाकर है तो वो DSP इसको इंक्वायरी करेगा, और वो जाकर के अगर अरेस्ट करता है तो SSP से परमिशन लेगा, कौन DSP शेड्यूल कास्ट के फेवर में बात करेगा, सारे उन्हीं के बैठे हैं। कोई आज तक कितने परसेंट हुए, कितने परसेंट कन्विक्शन हुआ है? जब हम सेशन जज, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट जज से कहा था कि जो अपने आपने यहाँ ये एट्रोसिटीज एक्ट को बना रखा, जो यहाँ जज बना रखे, इनको क्या पता है एट्रोसिटीज क्या होती है, आप हमको बताइए ना,
हमको बनाइए, ये स्पेशल कोर्ट मेरी बनाइए, ये मैंने खुद कहा था उस समय देन एंड देयर अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो मुझे पता है एट्रोसिटीज़ कहाँ होती है, कौन बनाता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि पता नहीं। तो सवाल ये है कि अभी उन्होंने जज साहब ने ये फैसला सुनाया था, क्या वहाँ जो एडवोकेट जनरल का सीनियर का पहुँचना ज़रूरी था या नहीं? देखिए वास्तव में जब संविधान बेंच है तो वहाँ अटोर्नी जनरल का होना ज़रूरी था, लेकिन नहीं कहता या सर वो अपनी स्वेच्छा से नहीं संविधान के अनुसार भी और स्वेच्छा से नहीं चलाइए, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि इस केस को आप कंडक्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अटॉर्नी जनरल इसको करे, अटॉर्नी जनरल कौन है आज के वेणुगोपाल हैं, के अब कौन शेड्यूल कास्ट के फेवर में आपकी बात करेगा, कोई भी नहीं करता आज तक। तो सवाल ये है कि इससे अब ना तो कोई अरेस्ट होगा और अरेस्ट के अलावा कोई किसी के खिलाफ कोई एक्शन होने का ही नहीं है अभी। ये तो जैसे ये नहीं कि इसमें कोई मतलब, ये तो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ ये एट्रोसिटीज एक्ट है, ये तो एक तरह से ख़त्म कर दिया है। क्यों, पहले क्या था, पहले DSP इसकी इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसको पहले अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करें अब ये नेसेसरी था अरेस्ट करना, लेकिन अब वो कर दिया कि अरेस्ट करेंगे ही नहीं, एंटिसिपेटरी बेल भी हो जाएगी, यानी अरेस्ट करने से पहले प्री अरेस्ट बेल भी हो जाएगी। अब तो ये कहाँ रहेगा, शेड्यूल कास्ट में अत्याचार और बढ़ेंगे, तो इसका बड़ा गलत असर होगा हमारा।